अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करूंगी सभी खैरियत से हैं और वी आर ऑल फाइन। और जी एक नए दिन का आगाज और यहाँ हम जा रहे हैं एज यूजुअल अपने स्कूल, ठीक है। हस्बैंड ड्रॉप करने जा रहे हैं। वेदर आप देख सकते हैं, आजकल वेदर ऐसा है कि ऐसा इतनी गर्मी नहीं है लेकिन ये कि ऐसे ही बदल चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद में मम्मी के घर चले गए थे और यहाँ भाई साहब है जो चल अपना गेम खेल रहे थे और हम सब जो है ना बैठे हुए ट्रेजर ढूंढ रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर अदर वेज ढूंढ रहे थे, मतलब कैसे इसको क्रॉस किया जाए, माउंटेंस और रिवर्स और मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग थी। खैर बहुत इन्जॉय करने वाला सीन था। अच्छा, ये नेक्स्ट फिर उसके नेक्स्ट डे का सीन मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो दोपहर में लंच हमारे को टीचर लेकर आई थी, इट्स सो मच अमेजिंग, बड़ा मज़ा आया हमें खाने में। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे जब दोबारा मम्मी के घर पे गई तो फिर ये जो गेम है ना फिर एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था। और यहाँ पर ये अंधाधुंध गाड़ी चला रहे थे और यहाँ पर इसने कहाँ कहाँ गाड़ी नहीं चलाई, अच्छा रिवर्स और झरनों में और पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब इसने गाड़ी चलाते चलाते ना। खैर हमें बड़ा मज़ा आता है मुझे वीडियोस देखने में। खैर इस तरह से वो बैठा होता है और मैं इसको रास्ता मतलब यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाओगे तो यहाँ हो जाएगा, मतलब हम इस तरह के डायलॉग्स पास कर रहे होते हैं। और नहीं ये यहाँ से चले जाओ, ये बहुत पानी है तो डूब जाएगा, यहाँ छलांग लगा दो, ये कर दो। अच्छा इतने प्यारे व्यूज़ थे, मतलब आप देखें टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चले गई है। इट्स लुक लाइक अ रियल इमेज, बहुत ही मज़ेदार और मतलब सही में ना आप इंजॉय कर रहे थे और मैं भी बैठ के ये देख रही थी। इतने प्यारे फ्लावर्स और देखें बटरफ्लाइज और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और ये सब रियल लग रहा था। चलो जी, उसके बाद फिर मैं गई किचन में। किचन में जाने के बाद हमने बनाई भिंडी कट, अम्मी ने कट की थी, यहाँ पर इन लोगों ने अम्मी लोगों ने और भाभी ने बनाई थी कड़ी, वो बन चुकी थी। यहाँ पर इन्होंने पुलाव के लिए बनाना था यखनी, वो भी इनकी तैयार थी। और मैं जब स्कूल से गई मैंने खाना खाया और उसके बाद फिर मैंने जो है ना भिंडी बनानी थी। सो फिर भिंडी बनाने का जो है ना स्टेप स्टार्ट करना था मुझे और मैं बार बार देखी थी यार कड़ी का कलर बड़ा मज़े का है, ठीक है। मैं खैर कड़ी से ही रोटी खाई थी, उसके बाद मैंने भिंडी बनाना शुरू की। यहाँ पर मैंने प्याज ऐड किया, उसके अंदर ग्रीन चिली ऐड किया और साथ में सॉल्ट और ज़ीरा ऐड कर दिया और उसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा बस कलर देना है, बिल्कुल काले नहीं करने होते। और फिर ये रात के खाने की वीडियो है। रात में खाने में जो थी वो ये थी बीफ का पुलाव टाइप बिरयानी टाइप, मतलब पुलाव बिरयानी सब मिक्स एंड मैच चल रहा था, वो बना लिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या सीन था कि हम लोग गए थे हॉस्पिटल, ठीक है। मेरी जो नीस है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, एडमिट थी, तो उसको देखने के लिए जाना था। तो साथ में खाना लेके जाना था, तो हम लोग फिर रात में गए थे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, और साथ में हमारे बलाज ऑब्वियसली वो साथ में था। तो यहाँ पर मैं बस ना इनको लंच मतलब डिनर दे रही हूँ सबको डाल के। मैंने कहा आप उतना इतना सब खाओ जितना आप खा सकते हो, और अगर आपको फिर लेना है तो फिर आप बाद में लेना, मतलब आप भर के ज़्यादा ले लो उसके बाद फिर आप छोड़ दो तो वो अच्छा नहीं लगता, तो आप फिर बाद में ले लेना। तो इस तरह जो है हम लोगों ने ना रात का खाना माशाल्लाह चावलों में, अम्मी भी कह रही थी कि स्पाइस ज़्यादा है लेकिन बच्चों ने बड़े मज़े से खाए और इतनी स्पाइसी नहीं लगे। अच्छा उसके बाद ठीक है हम बेकरी पे अपनी पे पहुँच चुके थे। यहाँ से हमें लेना था जी केक और यहाँ पर इतने मज़े की मिठाइयाँ लगी थी। खैर मैंने आज तक यहाँ की मिठाई नहीं ट्राई की है, मैं हर जगह की मीठा नहीं खाती। खैर फिर वी आर ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, तो हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए और यहाँ पर रास्ते में हमने खूब सारी बातें की। और हम अब रास्ते से ये जी मेरी कैंपस एजुकेटर का आ गया, ठीक है। और फिर हम पहुँचे, अंधेरा आ गया, फिर उसके बाद हम पहुँच गए अल मुमताज़ हॉस्पिटल पहुँच गए थे, ठीक है। वो एडमिट थी। अच्छा ये बड़ा प्यारा सा व्यू इन्होंने बनाया हुआ, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा ये एडमिट थी तहरीन, सो वहाँ पर ये अभी मैंगो खा रही हैं, शी मच बेटर नाउ, सो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह उसकी तबीयत बेहतर करे। अच्छा ये फिर जो है नेक्स्ट डे सैटरडे का डे है और अर्ली मॉर्निंग में मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। और आज मैं क्या बनाने वाली थी, आज मैंने सोचा था कि मैं टोस्ट बनाऊंगी और साथ में इनको बस सैंडविच बना दूंगी अंडा डाल के, तो फिर चाय बनाती हूँ। ये मेरी रूटीन थी सैटरडे की, ठीक है। वो दो तीन दिन के मिक्स करके मैंने ब्लॉग ऐड किए थे क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही, मतलब मैं ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं करती तो एडिट भी नहीं कर पाती और मैं ऐड करके डालती नहीं। तो ये सारा जो सीन है ना यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर थी कुरान खानी जो है मिलाद और ये सब कुछ, तो स्कूल में वो चादरें और चटाई बिछी हुई थी तो हमने बस ये सब किया। उसके बाद जो था क्या सीन था कि फिर जो है उसके बाद एज यूजल वो होते हैं समोसे और जलेबी होते हैं, तो हमें समोसे खाने को मिलते हैं विद चाय एज यूजल। और उसके बाद हमारे ये था रात का खाना और दैट्स इट।
छोटा सा ब्लॉग है।